दोस्तों, जब भी मैं एक इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन खरीदने का सोचता हूँ तो तीन बातें मेरे मन में सबसे ज़्यादा सवाल पैदा करती हैं। पहला कि मैं इसको चार्ज कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा और कितनी देर में कर पाऊँगा। दूसरा सवाल होता है कि क्या यह डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जितना लोड ले पाएगा। और आखिरी में दोस्तों, मेरे मन में एक और सवाल आता है कि इसकी वारंटी और रीसेल वैल्यू का क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा ओमेगा सैकी मोबिलिटी और लॉग नाइन मटेरियल्स दोनों के द्वारा मिलकर बनाई हुई रेज प्लस रैपिड ईवी में। ये सबसे तेजी से चार्ज होने वाला थ्री व्हीलर है और काफी सारी अलग सी खूबियों के साथ में आता है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे तीन पहिया वाहन आते हैं जो लाइट से चलते हैं, बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। तीन पहिया वाहनों में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब गाड़ी को हम रात भर चार्ज करते हैं, 8-10 घंटे 6 घंटे 10-12 घंटे चार्ज करता हूँ, तब एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर की रेंज मुझे मिलती है। अब दिक्कत क्या होती है, 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में एक दिन भर जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो एक ही राउंड ले पाता हूँ, क्योंकि दोबारा उसको 6-7-8 घंटे चाहिए, तब तक दिन जो है ख़त्म हो जाता है। तो मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो चलने के 60-70 किलोमीटर चलने के बाद तुरंत जो है चार्ज हो जाए, चार्ज होने के तुरंत बाद ही जो है मेरे को दोबारा से 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो ये भारत का फास्टेस्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आज की डेट तक लगभग 35 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। अब इसका जो आज फ़ायदा है, ये क्या है, क्या नहीं है, क्या मोटर लगी है, क्या बैटरी लगी है, कितना ताकत आती है, क्या कुछ कहाँ लगा है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें, कहाँ कंपनी को और सुधार करने की ज़रूरत है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि इसका कीमत क्या है, रेंज क्या है, किस्तों में कैसे मिलेगी, आपको कैसे खरीदना है, कहाँ खरीदना है, क्या कुछ नंबर्स वगैरह आएंगे, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि आपको जो है बेचोगे वगैरह भी तो कब क्या चीज़ें होने वाली है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सामने की तरफ हमें हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब ये हेडलैम्प्स जो है वो पूरी तरीके से हैलोजन बेस्ड है, साइड में इंडिकेटर मिलता है। ओवरऑल जिस हाउसिंग में ये आती है उसमें बहुत सारे थ्री व्हीलर्स आईसी इंजन वाले भी हमने देखे हैं। इंडिकेटर साइड में होने के कारण काफी बढ़िया तरीके से नोटिस में आ जाता है, और हेडलैम्प्स का जो थ्रो है वो रात को डिसेंट है, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी। हेडलैम्प्स जिस हाउसिंग में लगाए गए हैं वो हाउसिंग मुझे काफी अच्छी लगती है। सामने की तरफ जिस तरह का हमें मडगार्ड मिलता है वो अच्छा है, फाइबर का है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है, बैंड हो जाता है, उस हिसाब से रिपेयरिंग कॉस्ट भी इसकी कम आती है, तो फाइबर का मडगार्ड थ्री व्हीलर में काफ़ी सक्सेसफुल देखा गया है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर डैम्पर्स मिलेंगे, शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे, अच्छी तरीके से काम करते हैं, इनमें भी कोई बहुत शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जिस हिसाब का पहिया लगाया गया है, 4-5-10 का टायर लगाया गया है, और बहुत सारे गाड़ियों में हमने 4-5-10 का टायर देखा है, इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बैठता है ये टायर। काले कलर का रिम जो है इस तरफ से आपको दिख रहा है, क्योंकि उसमें अंदर ब्रेक शू वगैरह है, ब्रेक्स वगैरह लगते हैं। सिंगल मोनो लिंकेज आता है, हल्के बहुत वाइब्रेशंस इसके कारण हैंडल पे रहते हैं, बट कोई भी आप तीन पहिया गाड़ी ले लीजिए वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तो रिम की जो स्टील रिम की फिनिश है वो बढ़िया है, स्टील का रिम मिलता है, 3 बोल्ट के साथ में ये बोल्टेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर भी नहीं है। टायर जो है वो ट्यूब वाला मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर को रिपेयर करना मुश्किल होता है। रिप्स और लग्स में से रिप्स सिर्फ मिलते हैं, ताकि स्टेयरिंग जो है वो बेहतर तरीके से आप हैंडल जो है वो बेहतर तरीके से संभाल पाए। OSM का लोगो आपको यहाँ सामने की तरफ देखने को मिलेगा। पेंट क्वालिटी कमाल की है, शानदार पेंट क्वालिटी इस गाड़ी की मुझे लगती है, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शंस जो है इसमें आते हैं, बहुत सारे कलर्स में भी ये आती है, और हर कलर की पेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लॉग नाइन का स्टिकर दिख रहा है। सामने की तरफ सिंगल ड्राई वाइपर मिलता है, मतलब इस पाए कोई पानी वानी का सीन नहीं है, बट ये क्लीन अच्छे से कर देता है, आपका काम पूरी तरीके से चल जाएगा। विंडशील्ड बड़ी है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, और इसमें बहुत आपको शिकायतें नहीं होंगी। साइड वाले शीशों से आपको थोड़ी बहुत शिकायतें अगर है कि इनसे वाइड एंगल नहीं दिखता है, तो इनको आपको टेढ़ा कर देना है, 90 डिग्री घुमा दीजिए, इसके बाद आपको वाइड एंगल व्यू मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत इन पे काम करना भी चाहिए। पीछे की तरफ देखने की अगर आपको मेरी तरह आदत है तो इसको आप तिरछाई करके देखिए, सीधा मत देखिए। बाकी ओवरऑल विंडशील्ड सामने की तरफ से आपको कोई शिकायतें नहीं आएंगी, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम जो है OSM ने किया है। 3M ओरिजिनल टेप आपको मिल जाएगा, रात को सेफ्टी बढ़ाता है। यहाँ पे आपको हिंजिस कब्जे जो हैं वो बाहर की तरफ मिलते हैं, रिजिडिटी देते हैं, और एक तीन पहिया वाहन में हमने अक्सर बाहर की ही तरफ देखे हैं, एस्थेटिकली भी थोड़े से अच्छे लगते हैं, मुझे लगते हैं। OSM का एक और स्टिकर आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही तरफ डोर्स पे मिल जाता है। यहाँ आपको चाबी से लॉक करने का प्रोविज़र मिलता है, डोर हैंडल के ऊपर आप इस गाड़ी का दरवाज़ा यहाँ चाबी से लॉक कर सकते हैं, और गाड़ी पूरी तरह लॉक हो जाती है। हैंडल स्लिम मिलता है, पर अच्छी ग्रिप आपको हैंडल पे मिलती है, जब भी आप खोलेंगे लगाएंगे तो आपको बढ़िया पकड़ मिलेगी। ये वाला शीशा जो है वो फिक्स्ड है, खुलता नहीं है, पीछे वाला आगे वाला शीशा है वो जो खुल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक और स्टिकर मिलेगा आपको,
दूसरी तरफ वाले डोर पे यहाँ भी आपको लॉक का प्रोविजन मिल जाता है। हैंडल वगैरह यहाँ भी स्लिम मिलते हैं, दोनों ही तरफ से हैंडल वगैरह अच्छे मिलते हैं, इनको खोलने करने में कोई दिक्कत नहीं है। गेट वगैरह अंदर की तरफ से बिल्कुल सिंपल प्लेन गेट है। जब मैं केबिन के बारे में बताऊंगा तो आपको और बताऊंगा। जब आप साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पूरा का पूरा सिस्टम मिलता है। ये आपका DC001 फास्ट चार्जिंग वाला स्लॉट है। यहाँ पे आप DC001 जो फास्ट चार्जिंग हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ से करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी नॉर्मल रेगुलर घर वाली चार्जिंग होती है, आप किसी भी 16 एम्पियर 15 एम्पियर के प्लग में लगा सकते हैं, वो आप यहाँ साइड में लगा सकते हैं। इसका अडेप्टर जो है वो अलग से आता है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ आपको प्लग एंड प्ले गन मिलती है, कुछ नहीं करना है आपको इसको। जहाँ भी आपको फास्ट चार्जर मिल रहा है वहाँ से गन निकाल के इस चार्जर के अंदर लगा देना है। काफ़ी सरल है और ये लॉक हो जाती है और फास्ट चार्जिंग आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है। सारा स्टेटस आपको फास्ट चार्जर से मिलता है। अगर आप घर पर नॉर्मल चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला पोर्ट मिलेगा, इसको जो है आपको इस बॉक्स में साइड में प्लग कर देना है और काफ़ी आसानी से चार्ज हो जाता है। नीचे की तरफ से ये जो है बढ़िया है, ओवरऑल कवर किया हुआ है, पानी वगैरह स्प्लैशेस वगैरह आएंगे तो वो नहीं इस पे जाएंगे। मडगार्ड वगैरह फाइबर का है, अब इसमें जंग नहीं लगती है, वजन भी गाड़ी का जबरदस्ती नहीं बढ़ता है मेटल की तरह, रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह भी कम आती है और बचता नहीं है, खड़खड़ाता नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में होती है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से पहिया लगाया गया है वो बढ़िया है, 4-5-10 का टायर है, माइलेज वगैरह अच्छी निकलती है इनसे, रेंज वगैरह अच्छी निकलेगी गाड़ी की। 3 बोल्ट से ये भी बोल्ट किया गया है। अगर लोड बॉडी पे बात करोगे तो यहाँ पे रेज प्लस रैपिड इंस्टेंट चार्ज्ड बाय लॉग 9 फास्टेस्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, यहाँ पे आपको इंस्टा चार्ज इन 35 मिनट्स और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पीक परफॉर्मेंस एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, 9x सेफ्टी, 9x परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया बोल्ड स्टेटमेंट है। बैटरी लाइफ ऑफ 10+ ईयर्स, यानी कि 10 साल से ज़्यादा की जो है इस गाड़ी की बैटरी लाइफ होने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। ये जो पीछे वाली बॉडी बनाई है वो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बॉडी बनाई है, यहाँ पे कब्जे जिस हिसाब के हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। गाड़ी की खोल लेते हैं हम और चलते हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों चार्जिंग वार्जिंग की बात तो बहुत हो गई, अगर इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें, मतलब ये गाड़ी की लंबाई की बात करें, तो ये मुझे बहुत ही चौंका देती है। तो ये 65 इंच की चौड़ाई में आती है, मतलब 65 इंच की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा हो जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों लगभग 5.5 फीट की चौड़ाई देना अपने आप में कमाल बात है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 6 फीट के आसपास आ रही है। कंटेनर अंदर से जिस हिसाब के वॉल्यूम में आता है वो बहुत बढ़िया है। लंबाई चौड़ाई के अलावा दोस्तों 140 क्यूबिक मीटर का आपको वॉल्यूम ओवरऑल इस कंटेनर का मिलता है। पेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इस अंदर से जिस हिसाब से गाड़ी ओवरऑल कंटेनर बनाया है वो अच्छा है। ICAT सर्टिफाइड ये बॉडी कंटेनर है और बहुत अच्छा माल आ जाएगा, आपका माल अलग अलग टाइप का है तो भी आ जाएगा। छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम बड़े ट्रक्स में देखते हैं, चद्दर जिस गेज की लगाई गई है वो बहुत बढ़िया है। इस बॉडी कंटेनर के जितने भी पैसे कंपनी ले रही है एक्स्ट्रा, वो पूरे पूरे वसूल है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हम प्लाई बिछाते हैं अक्सर फर्श में, ताकि फर्श डैमेज ना हो, या पहले से ही उन्होंने मेटल शीट बिछा रखी है, बहुत अच्छे से जो है काम किया है अंदर कंटेनर में। इसको खोलना और लगाना भी काफी आसान है, आप आसानी से जो है एक बार इस लैच के साथ में इसको लॉक कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर बात करें लाइट्स की, तो यहाँ आपको अंदर की तरफ जो है बैक लाइट, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर मिलता है। इंडिकेटर येलो कलर की रिंग से आता है, खूबसूरत लगता है। अंदर की तरफ उसमें बैक लाइट है, साइड में जो है आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। ओमेगा सैकी मोबिलिटी का यहाँ आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, साइड में जो है इंस्टा चार्ज्ड बाय लॉग 9 का स्टिकर भी देखने को मिलता है। और अगर बात करें लिंकेज की, तो कमाल का लिंकेज इस गाड़ी में दिया गया है। हालांकि एक शिकायत इस लिंकेज से ये है कि आज भी ये जो है वो तिरछा है, सीधा नहीं है। कैसे तिरछा है मैं आपको बताता हूँ कि पहिए जो है वो देखिए आप बिल्कुल एक एंगल पे है, 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़े से झुके हुए। एक तरफ का टायर गाड़ी आज भी खाती है, पर गाड़ी अनबैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटी रोल बार्स देखने को मिलेंगे। माल आपका बहुत ही स्टेबल रहता है और आप गाड़ी को जब चलाएंगे, कॉर्नर वगैरह करते हैं, मोड़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस बहुत आता है। जब मैं खुद चला रहा था तो मैंने फील किया, तो यहाँ पे एंटी रोल बार लगा के बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ में आपको यहाँ पे रबर डैम्पर्स मिलते हैं, लगभग 3 से 4 mm के बीच की मोटाई वाली चैसी है। और चैसी ठीक है दोस्तों, इस चैसी से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, जबरन का वजन नहीं है। 4 क्रॉस मेंबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जबरदस्ती चैसी के नीचे लटक रही है, वाई टाइप, वाई सेक्शन टाइप चैसी है। और आपको सी सेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ देखिए आप किस हिसाब से ब्रेक लाइनिंग और बाकी सारे वायरिंग्स को चैसी के ऊपर रखा गया है, नीचे नहीं रखा गया है, ताकि कहीं भी कोई चीज़ लटक ना रहा हो। बैटरी को भी नीचे से बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया गया है।
केबिन के नीचे वाले भी अगर बात करें तो क्रॉस मेंबर टाइप लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस मेंबर टाइप पैटर्न बनाया है, जिससे कि गाड़ी की उम्र बढ़ती है और केबिन का जो फुट है, केबिन का जो फ्लोर है, वो भी बहुत बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल हो जाता है। नीचे से अगर कई बार घिसता भी है तो भी कोई समस्या नहीं आती है। तो तीन फेज की इंडक्शन मोटर यहाँ देखने को मिल जाएगी, लगभग वाटर प्रूफ होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है टॉर्क को कन्वर्ट करती है, अपने आप से पावर बनाती है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल बॉक्स मिलता है वो वीरिया कंपनी का मिलता है, मोटर भी वीरिया कंपनी से ही आती है और यहाँ पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि जिस जगह ये लगाया गया है वह पानी वगैरह जाने की संभावना ना के बराबर है। अब आती है बैटरी यानी कि गाड़ी की जान। अब ये इंस्टा चार्ज बाय लॉग 9 है, 35 मिनट में चार्ज हो जाती है, 10 साल से ज़्यादा ये बैटरी चलने वाली है, लगभग 10,000 चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स के साथ में ये बैटरी जा सकती है। इस बैटरी के बारे में बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं और ओमेगा सैकी मोबिलिटी के इस गाड़ी में रेज प्लस रैपिड ईवी में मुझे इस बैटरी के कारण ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो रैपिड एक्स 6000 सीरीज वाली ये बैटरी 6 किलोवाट आर के कैपेसिटी के साथ आती है। इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो लगभग 48 वोल्ट के आसपास आता है और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दोस्तों वो 33 से लेकर 58 वोल्ट के आसपास आता है। इसकी 120 एम्पियर आर की कैपेसिटी है और फटाफट चार्ज हो जाती है और अच्छी बात यह है कि अलग अलग तापमानों में भी ऑपरेट होने के लिए है। चैसी पे माउंट होती है ऊपर की तरफ और ड्राइवर का केबिन के अंदर नहीं है, जिससे कि आपकी कोई दुर्घटना के टाइम कोई समस्या हो, केबिन के पीछे है और अच्छी तरीके से इसको इंटीग्रेट किया गया है। केबिन में बैठने के बाद आप हैंडल बार देखेंगे और बढ़िया है, बहुत अच्छा है, नीट क्लीन है। ये शायद कहीं से बोरो किया है इन्होंने खुद, मुझे लगता है नहीं बनाया, बट फिर भी अच्छा है। ग्रिप वगैरह जो हैंडल पे है वो अच्छी है, एस्केलेटर वगैरह का जो तार वगैरह है, जो कंट्रोल वगैरह है, वो भी बढ़िया है। OSM की ब्रांडिंग आती है आपको ठीक बिल्कुल बीचों बीच में। OSM का ये बीच में मार्क मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रैक्टेबल लगता है, सुंदर लगता है। जब आप राइट हैंड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर, अपर डिपर और हॉर्न के स्विच मिल जाते हैं। तीन ही स्विच है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और स्विच की क्वालिटी अच्छी है। आपको सामने डैशबोर्ड पे पार्किंग लाइट्स या हजार्ड लैंप्स का स्विच, यहाँ पे आपको मेन हेडलैम्प का स्विच और साइड में आपको जो है वाइपर का स्विच मिलता है। तीन ही स्विचेस जो है वो आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर मिलेगा कि आपको रिवर्स मोड में जाना है, फॉरवर्ड मोड में जाना है या फिर बूस्ट मोड में जाना है। बीच में जो है न्यूट्रल वगैरह मिलता है। इसकी सिलेक्शन भी बढ़िया है, इसका भी जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ठीक होता है। हालांकि हैंडल बार वगैरह पे होता तो बहुत मज़ा आता है उसको चलाने में, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में कई बार 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 हाथ नहीं जाता है वहाँ पे। साथ ही साथ जब भी आप इसमें रिवर्स डालते हैं तो यहाँ पे अगर आपने बैक कैमरे वाली गाड़ी ले रखी है तो गाड़ी में बैक कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको रिवर्स का इंडिकेशन भी आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल में आएगा। न्यूट्रल डालेंगे तो न्यूट्रल का इंडिकेशन आएगा, फॉरवर्ड डालेंगे तो फॉरवर्ड का, और बूस्ट डालेंगे तो बी लिखा हुआ यहाँ पे आता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। इसके अलावा दोस्तों इस इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप रीसेट बटन और यहाँ पे आपको चाबी मिलती है। तीन ही फंक्शंस आपको यहाँ नीचे की तरफ मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाइपर वगैरह जिस हिसाब से चलता है तो बढ़िया तरीके से ये वाइपर साफ करता है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है और इसमें बहुत सारी यूटिलिटी आ जाती है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। साइड में आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आप जो है अपना कुछ कीमती सामान, बिल, टी, पर्चे वगैरह रख सकते हैं, हिसाब किताब की डायरी वगैरह रख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये स्कैनर इंस्टा चार्ज ऐप को एक्सेस करने के लिए है। इंस्टा चार्ज ऐप पर आप नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं या फिर इंस्टा चार्ज ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये लाइट जो है दोस्तों डैशबोर्ड पे ना लगा के, केबिन लाइट को डैशबोर्ड पर ना लगा के ऊपर की तरफ अगर कहीं लगा देते तो मज़ा आ जाता। डैशबोर्ड पे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं रहती है और हालांकि केबिन में थोड़ा बहुत उजाला कर देती है, बट उतना ज़्यादा मज़ा आपको इस लाइट के साथ नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको वो बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी ज़रूरी है बॉटल, आप अगर दिन भर के लिए बाहर निकलते हैं तो पानी का जो एक स्टोरेज है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो है लगाया गया है। यहाँ आपको हैंड ब्रेक बिल्कुल ठीक बीचों बीच मिल जाएगा। IC इंजन्स वाली गाड़ियों में भी मैक्सिमम टाइम यहीं आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है और ये जो है वो केबल पे काम करता है, ड्रम ब्रेक्स में अच्छे से शू को एक्सपेंड करके लग जाता है। बाकी आपको नीचे ब्रेक वगैरह देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ऊपर से भी आप बात करें, केबिन की जिस हिसाब से फ्लोर बनाई गई है वो बढ़िया बनाई गई है, रीइंफोर्स्ड है और ये लंबा चलेगी। जिस हिसाब से इसका ओवरऑल इन्होंने इंटीग्रेशन किया है मुझे पसंद आता है। साइड में शीशे वगैरह आप जो है एक पैनल को खोल सकते हैं और उस पैनल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस एंगल पे हवा वगैरह चाहिए। आपको सीधे चेहरे वगैरह पे जो है हवा लगती है और अच्छी बात यह कि फाइबर के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। अगर आपको गेट लगाना है तो ये वाला जो हैंडल है आप इसको पकड़ के गेट को खींचिए तो आपका गेट लग जाएगा।
अलग से कोई हैंडल नहीं है और गेट को खोलने के लिए इसको बस ऊपर की तरफ करना है तो आपका गेट जो है वो खुल जाएगा। काफ़ी सरल सा है। पीछे की तरफ आपको एक माल देखने के लिए, गुड्स देखने के लिए एक विंडो मिलती है। एयर वेंटिलेशन और सर्कुलेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी फिट फिनिश बढ़िया है, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लीक वगैरह भी ये नहीं होती है। सीट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इतनी लंबी सीट मैंने अब तक किसी थ्री व्हीलर में नहीं देखी है। जिज्ञासावत मैंने, क्यूरियोसिटी से मैंने इसकी सीट को नाप लिया और नापने के बाद पता चला कि 34 इंच लंबी सीट है, यानी कि लगभग 3 फीट के आसपास जो है सीट है। बहुत ही ज़्यादा कमाल मुझे लगा। और यहाँ भी आप देखिए 30 मतलब 2.5 फीट के आसपास पीछे आपको बैक रेस्ट मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसकी कुशन वगैरह भी जो है लगभग 2.5 इंच के आसपास है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट मुझे लगी है। कई बार लोग तिरछा बैठ के भी थ्री व्हीलर्स को चलाते हैं, उस टाइम पे भी ये जो है मदद करने वाली। सीट के ठीक नीचे आपको मिलेगी स्टेपनी स्पेयर टायर, फुल साइज का स्पेयर टायर आपको यहाँ मिलता है। और यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बैटरी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जिससे आपकी लाइटें वगैरह जलती हैं, हॉर्न वगैरह चलता है, इंडिकेटर वगैरह लाइट के लिए, ये वो वाली बैटरी है। गाड़ी चालू करने का तो कोई सीन इसमें है नहीं। अगर दोस्तों हम बात करें इंस्ट्रूमेंट पैनल की या फिर हमारी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको 3-4 चीजें ही दिखती हैं, जैसे कि स्पीड दिख गया, आपकी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चली है वो दिख गया, कौन से मोड में कौन से गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं वो दिख गया, कितनी गाड़ी में चार्ज वगैरह बचा हुआ है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिप मीटर को मिस करता है कि ट्रिप आपने कितनी लगाई, जब आप चालू किए उसके बाद से आप जो कितना चल चुके हैं, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगती है। तो चलिए चला के देखते हैं कैसा चलता है OSM का रैपिड रेंज ईवी प्लस। सबसे पहले हम अंदर जाएंगे। एक्चुअली चाबी पहले से ही चालू कर रखा था तो इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे कोई लैप बेल्ट वगैरह नहीं आता है, L5N कैटेगरी के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका स्ट्रक्चर वैसे भी सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने जो गाड़ी चालू कर दी, शीशे वगैरह हमारे बंद हैं। अभी मेरे पास लगभग 700 किलो का लोड है, यानी कि गाड़ी की जो रेटेड लोड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। देखो गाड़ी में लोड ज़्यादा है, जो टेक्निकली लोड होना चाहिए उससे लोड ज़्यादा है, उसके बाद भी गाड़ी जो है पिकअप एकदम बढ़िया ले रही है। बूस्ट मोड में नहीं हूँ, नॉर्मल फॉरवर्ड मोड में हूँ। और अभी देखो ऐसे नॉर्मल कोई रोड भी नहीं है, पेवर्स वाली जो है वो रोड है, तो ठीक दिख रही है गाड़ी। ऐसे कुछ मतलब वो नहीं आ रहा है, पिकअप वगैरह ठीक है, ब्रेक्स वगैरह भी आ रहे हैं, तंग जगह से भी जो है निकलने में सक्षम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मोड़ने करने में भी ईजी है, गोइंग अप बूस्ट मोड एंड इट एक्चुअली पुल्स अप द पेस एंड इट्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। अच्छा है, मतलब कोई ऐसे मतलब वो नहीं लगता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी की रेंज कितनी आती है। देखिए एक बार अगर आप गाड़ी को पूरा चार्ज कर लेते हैं तो कंपनी कहती है बिना लोड के साथ में लगभग 90 किलोमीटर गाड़ी चलती है, पर आप तो लोड डाल के ही चलाने वाले हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि लोड डालने के लिए आपने रेटेड लोड डाल रखा है, तो इस गाड़ी का रेटेड लोड 480 किलो है। लगभग 500 किलो लोड के साथ अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो 65 से 75 किलोमीटर के बीच में ये गाड़ी जो है वो चलती है। सिटी का ट्रैफिक भी आ जाए और भी ख़राब चीज़ें आ जाएँ और बहुत गंदे तरीके से आप चलाएं, गलत तरीके से एस्केलेशन भी करें, उसके बाद भी 60 किलोमीटर की रेंज तो गाड़ी दे ही देती है। 48 वॉट की लिथियम आयन 6 किलो वॉट आर की बैटरी लगी हुई है। 16% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है हमें, इसमें जो मोड्स मिलते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स जाने के अलावा एक बूस्ट मोड भी जो है हमें मिलता है। ब्रेक्स हमें कन्वेंशनल ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। दोस्तों बात करें ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर गाड़ी के पूरे वजन जिसमें गाड़ी पास आती है, तो 960 किलो में पास आती है। लगभग 480 किलो के आसपास का गाड़ी का वज़न है और 480 किलो ही जो है गाड़ी का पेलोड आता है। 50 के आसपास की इसकी टॉप स्पीड रहती है, जो मेरे हिसाब से सिटी के पर्पस से काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। अब सवाल उठता है कि गाड़ी की कीमत क्या है। तो देखिए टॉप मॉडल के लिए ओमेगा सैकी मोबिलिटी और लॉग 9 मटेरियल्स मिल के जो है वो लगभग 10,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट लेते हैं और 3,99,000 में ये गाड़ी को बेचते हैं, यानी कि 4,00,000 रुपये से भी कम में टॉप मॉडल जिसमें वीडियो कैमरा वगैरह फुल साइज कार्गो बॉडी आती है। इसके अलावा दोस्तों 3,59,000 यानी लगभग 3,60,000 से भी कम में जो है इनके बाकी सारे वेरिएंट्स आते हैं। नीचे नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इन पे फ़ोन लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए, फेम टू सब्सिडी जानने के लिए, स्टेट सब्सिडी जानने के लिए, आपके रीजन में कैसे खरीदनी है क्या करना है उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई बात करनी है तो आप इन्हीं नंबरों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो IC इंजन की तरह ये फाइनेंस नहीं होती है। इसके लिए फाइनेंस करने वाले जो फाइनेंसर होते हैं उनका एक डिफरेंट तरीके का टाई अप होता है कंपनी के साथ में। दोस्तों कुछ चीज़ें जो मुझे इस गाड़ी के बारे में काफ़ी पसंद आती हैं वो कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का कई जगह ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो दोनों आगे और पीछे के मडगार्ड्स को फाइबर का रखा गया है, जो वज़न घटाते हैं और गाड़ी की बेटर माइलेज, बेटर रेंज और बेटर मेंटेनेंस में हमारी मदद करते हैं। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है,
कंटेनर का बड़ा साइज बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी भी इनकी गाड़ी में थोड़ी बहुत दिखती है। L5N कैटेगरी के हिसाब से केबिन वगैरह बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है, वो एक चीज़ है। घर पे भी चार्ज करते हैं तो भी लगभग 1.5 घंटे के आसपास ही लेती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चार्ज करने में। 5 साल की वारंटी देती है ओमेगा इसकी मोबिलिटी, तो 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, इतने में मेरा काफ़ी सारा काम चल जाएगा। 5 साल एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, तो मुझे वहाँ भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। इनके कुछ और फीचर्स भी हैं जिनको मैंने टेस्ट नहीं किया, पर आते हैं, जैसे कि इसका शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेशन, नेविगेशन वगैरह, और थोड़ा सा एडवांस इंस्ट्रूमेंट पैनल वगैरह वहाँ शायद लग जाता है। मुझे पीछे का वीडियो कैमरा भी अच्छा लगता है, जो कि सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। दोस्तों इसमें 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और येलो। एक 3-व्हीलर ओनर के लिए काफ़ी मज़ेदार चॉइसेस हो जाती हैं अलग अलग कलर कोड के साथ में। बैटरी की 10 साल से ज़्यादा की लाइफ मुझे काफ़ी पसंद आती है। दोस्तों मुझे गाड़ी का थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि जो इसकी हीट है, जो हीट डिसिपेशन है, मतलब बैटरी बहुत लंबे वक्त में भी जल्दी चार्ज होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत अच्छा चलता है। साथ ही साथ मोटर को भी इस हिसाब से बनाया गया है कि वो भी रोज़ चलते में, लंबे चलते में, रेगुलर चलते में, लोड ओवरलोड में चलते में गर्म नहीं होती है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मोटर की है। इनका इंस्टा चार्ज ऑन डिमांड भी बढ़िया है कि आपको गाड़ी अगर कहीं चार्ज करानी है, बीच में कई बार आपका इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गया, तो आप इनकी गाड़ी बुलाइए और जहाँ भी आपकी रेंज प्लस रैपिड ईवी खड़ी है वहीं चार्ज कर देंगे। इनका मुझे बायबैक वैल्यू वाला फीचर भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अगर मुझे 5 साल के अंदर कभी भी गाड़ी को वापस करना है, बेचना है, और मार्केट में मुझे मेरे हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है, तो इनको 1 लाख रुपये में गाड़ी कभी भी वापस कर सकता हूँ। काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस एक तरीके से कस्टमर के अंदर भी बूस्ट करती है, और कंपनी का भी अपनी गाड़ी पर भरोसा दिखाती है कि काफ़ी ट्रस्ट ये जो उस गाड़ी पर करते हैं। दोस्तों गाड़ी में 2 लोगों के बैठने का काफ़ी कंफर्टेबल केबिन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीट बहुत ज़्यादा चौड़ी है, 2 लोग बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। हालांकि पासिंग ऑफिशियली 1 ही बंदे की आती है। और दोस्तों इस गाड़ी के साथ में आप दिन में 1 चक्कर से ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो ऐसी नहीं है कि जिससे बार बार फास्ट चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बैटरी लंबे समय तक चलने वाली है, और उस बैटरी को इन्होंने टेस्ट ही फास्ट चार्ज पे किया हुआ है, तो फास्ट चार्ज से बैटरी की लाइफ को कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में मुझे पसंद नहीं आती या ओमेगा सैकी मोबिलिटी को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो दोस्तों है कि जो इसकी डोर की फिट और फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं है। ऑल्दो वहाँ रबर लगा रखी है, फिर भी आप देखेंगे तो गैप वहाँ पे है, पानी थोड़ा बहुत लीक होता है वहाँ से, तो उसकी फिट और फिनिश को बेहतर करने की गुंजाइश है। जो मोड सिलेक्शन नॉब का प्लेसमेंट है, फॉरवर्ड, रिवर्स, न्यूट्रल, में हैंडल से हाथ हटा के बार बार हाथ को वहाँ ले जाना पड़ता है, वो हमारा हैंडल बार पे आ सकता है। डिपर अपर के स्विच के पास में वहाँ लगने की गुंजाइश पूरी पूरी है। दोस्तों मुझे इसमें ट्रिप मीटर नहीं दिखा, यानी कि मैं ट्रिप सेट नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आज गाड़ी पूरी चार्ज कर ली, आज मैं कितने किलोमीटर चलाया। ट्रिप मीटर की एक ओडोमीटर में जरूरत होती है, वो मुझे कहीं ना कहीं मिस लगता है। केबल लाइट का प्लेसमेंट मुझे उतना पसंद नहीं आता। रिवर्स कैमरा एक अच्छी चीज है, पर रिवर्स कैमरा की जगह या रिवर्स कैमरा के साथ साथ एक म्यूजिक सिस्टम के लिए गुंजाइश बिल्कुल गाड़ी में रहती है। एक 3-व्हीलर ड्राइवर को म्यूजिक का काफी शौक होता है, गानों का काफी शौक होता है, वो एक गिमिक फीचर है, बट कहीं ना कहीं काम आ सकता है अगर इसमें थोड़ा ध्यान दें, किसी टॉप मॉडल में म्यूजिक सिस्टम ऐड करा जा सके 2 स्पीकर के साथ भी, तो वो काफी ज्यादा गाड़ी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ा देगा और गाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से प्लेस कर सकता है। साथ ही साथ कस्टमर भी उस चीज को एंजॉय करे। दोस्तों गाड़ी जो है वो कहीं कहीं रोड पे नीचे की तरफ से हिट करती है। अब हिट कैसे करती है कि अगर आपका स्पीड ब्रेकर नॉर्मल वाले पे बिल्कुल हिट नहीं करेगी, पर कोई बहुत ज़्यादा भरी हुई गाड़ी है और कोई बहुत ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो वहाँ आपकी गाड़ी नीचे से ब्रश कर जाती है। पर नीचे की तरफ कुछ भी डैमेज होने लायक चीज़ नहीं है, तो अगर वो बार बार रगड़ भी खा रही है वहाँ पे, तो कोई गाड़ी पे हैवी डैमेज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी रैपिड रेंज ईवी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे नंबर जो है मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ से ले लीजिए। लगभग हर शहर में, अगर आपके शहर में इनका शोरूम नहीं है, डीलरशिप नहीं है, तो भी आप एक काम कर सकते हैं। लगभग अगर आपको 7, 8, 10 व्हीकल्स चाहिए तो इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपके यहाँ चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे, सर्विस सेंटर लगा देंगे, वहीं के वहीं तुरंत डीलरशिप भी खोल देंगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में कि यहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ नहीं खरीद सकते। आप पूरे इंडिया में तो बेझिझक खरीदिए। नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए सेल्स के लिए। और थैंक यू लॉग 9 का भी, जिन्होंने जहाँ इन्वाइट किया, गाड़ी को दिखाया। OSM या ओमेगा इसकी मोबिलिटी की ये रैपिड रेंज ईवी मेरे हिसाब से एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि जल्दी चार्ज हो जाती है, बैटरी बैक बढ़िया है। 10 साल भाई बैटरी किसकी चलती है, आप मुझे बताइए। इसके अलावा 10 साल बैटरी चलने के बाद भी अगर 5 साल में जरा मूड बदल गया, तो ये बाय बैक वैल्यू भी देते हैं कि भाई रीसेल वैल्यू इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो भी कवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने,
बाकी एक दो हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो इन गाड़ी में सुधार की ज़रूरत है, शायद वक्त के साथ ये सुधार कर दें, फीडबैक ले लें। तो ये सारी बातें हैं इस रैपिड रीच ईवी के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिस से कभी मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसी किसी वीडियो में।